अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों अभी हम जो है डिस्कस करेंगे पोसिडोमोनस न्यूमोनिया। एजेंट जो है उसका नाम है पोसिडोमोनस, PSEUDOMONAS। एजेंट जो है बेसिकली ग्राम पॉजिटिव फ्रॉड है। एंटेरिक है। रिस्क फैक्टर्स के देखते हैं। ये लीडिंग कॉज है इसकी हॉस्पिटल अक्वायर्ड नमोनिया की। काइंडली जो है इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में ये जो है ना अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हॉस्पिटल अक्वायर्ड नमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा जो है एजेंट करवाता है, पोसिडोमोनस है और कम्युनिटी। ये साइड पे आप नोट बेशक लिख लीजिए, कम्युनिटी अक्वायर्ड नमोनिया जो है न्यूमोकोकल नमोनिया करवाता है। न्यूमोकोकल जो है वो करवा रहा होता है और इसे पोसिडोमोनस करवा रहा होता है। ये बहुत रेयर केसेस में कम्युनिटी अक्वायर्ड नमोनिया भी करवाते हैं, तकरीबन 1-2%। ठीक है, न्यूमोकोकल नमोनिया 50% जो है वो करवाता है कम्युनिटी अक्वायर्ड नमोनिया। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स ये हैं और प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीजेस चल रही होंगी जिस पेशेंट में होगा उसमें ऑलरेडी जो है प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी जिसमें आप ये कह लें एस्थमा, COPD और ETC वगैरह जो है ना ये चल रहा होगा। एस्थमा, COPD और ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, वगैरह जो है होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में हम इसके देखते हैं, क्लिनिकल जब फीचर्स में जब ये पेशेंट रिप्रेजेंट करेगा इसके तमाम क्लिनिकल फीचर्स वैसे ही होंगे जिस तरह जो है टिपिकल नमोनिया का पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा। इसका हॉलमार्क ये होगा कि इसमें जो स्पुटम कलर होगा इस पेशेंट का हॉलमार्क वो ग्रीनिश स्पुटम होगा। ठीक है, जनरेट ग्रीनिश स्पुटम। और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पेशेंट में जो है वाइट ब्लड सेल इन्वेस्टिगेशन में हम जो है पेशेंट का हम चेक कर रहे होंगे, वाइट ब्लड सेल काउंट चेक करेंगे, वो राइज मिलेंगे। ऑलरेडी पेशेंट जो है COPD और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के साथ होगा, हिस्ट्री होगी उस पेशेंट के बाद। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम उसका स्पुटम कल्चर करेंगे। और अगर स्पुटम कल्चर के हमारे पास ऑप्शन ना हो तो अल्टरनेटिव जो है उसका हम कर लेंगे ब्लड कल्चर। इसके आगे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम इस पेशेंट को इंट्रावेनस सेफ्ट्राइज़ोन देंगे, इंट्रावेनस सेफ्ट्राइज़ोन। जो के थर्ड जनरेशन है सेफ्लोस्पोरिन्स की,
आपको याद होगा सेफलोस्पोरेंस की आपको 5 जनरेशंस करवाएं, तो उसकी जो थर्ड जनरेशन यूज कर रहे होंगे हम। अगर सेफ्ट्राजोन जो है अवेलेबल नहीं है तो हम इसके अल्टरनेटिव में हम यूज कर लेंगे लीवो, लीवोफ्लॉक्सासिन। आपको याद होगा कि लीवो, और आपको बताया था लीवो हम यूज कर रहे होते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए, तो ऑफ कोर्स जो है ऑलरेडी इस पेशेंट के अंदर सीओपीडी वगैरह चल रहा है, तो हम लीवो यूज करेंगे या फिर हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है। अगर जो है इफ लाइफ थ्रेटनिंग सेप्टिक शॉक, अगर लाइफ थ्रेटनिंग सेप्टिक शॉक पेशेंट में होगा या फिर डीआईसी जिसे कह लें, तो हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे एंटी प्सिडोमोनल पेंसिलिन के साथ, ये पॉइंट जो है मैं ड्रग्स के अंदर कराना भूल गया, अल्लाह का शुक्र है कि हमने तमाम जो है एंटीबायोटिक्स वो स्टार्ट में कवर कर लेती हैं, बस मेरी गलती की वजह से कि मैं जो है एंटी प्सिडोमोनल पेंसिलिन जो है वो आप करवाना भूल गया, वो अब हम साथ कवर कर लेते हैं। उसमें ये है कि एंटी प्सिडोमोनल पेंसिलिन ये पेंसिलिन के ग्रुप से ही है, और इसके अंदर हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, टाइक्यूरोसिलिन और सेकंड वन है पीपरसिलिन। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और ये देखते हैं कि इसका जो है हॉस्पिटल में जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब तो हमारे पास क्वेश्चन इसका किस तरह आएगा, वो बात यही करेगा। अननोन केस ऑफ, क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट हो रहा होगा कि अननोन केस ऑफ, नॉन केस ऑफ सीओपीडी हैज प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर प्रोडक्टिव कफ ग्रीन स्पोटम बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स ऑन चेस्ट एक्सरे। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं जो मिस कर गया हूँ कि जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे चेस्ट एक्सरे में भी, चेस्ट एक्सरे जब हम इस पेशेंट का देखेंगे तो हमें दोनों जो है लंग्स में अब्सेस जो है मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा होगा। अगर आपने ये, आपको ये सारी चीज़ें याद है, याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यही याद है कि ग्रीन स्पूटम जो है किस जो है कौन सा एजेंट करवाते, कौन से एजेंट के इन्फेक्शन की वजह से ग्रीन स्पोटम प्रोड्यूस होता है, आप इजीली स्किंडो में जो है ये क्वेश्चन पिक कर लोगे। ठीक है, सीओपीडी का ऑप्शन दे रहा है कि ऑलरेडी हमने बात की है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में जो पेशेंट ऑलरेडी जो है हॉस्पिटल अक्वायर्ड नमूनिया है ना, वो आपसे ये क्वेश्चन के साथ साथ वो ये भी कर सकता है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में गया है और उसे जो है अस्थमा था, सीओपीडी थी, वो आगे इसकी अस्थमा की फर्दर सब टाइप्स में चला जाता है, इंट्रिंसिक अस्थमा था या एक्सट्रिंसिक अस्थमा था, या वो ये भी कह सकता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था, क्यूट ब्रोंकाइटिस था, सीओपीडी, मतलब वो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो करेगा आपके साथ, प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीज कोई भी डिजीज का वो नाम लेगा, और आगे से फिर क्वेश्चन ये करेगा वो पेशेंट आया हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में ठीक हो गया, ठीक है आपने उसका हाँ ट्रीटमेंट किया, अब पेशेंट जो है ना वो घर चला गया और दोबारा कुछ दिनों बाद आपके पास आ रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे हाई ग्रेड फीवर है,
प्रोडक्टिव कफ है, ग्रीन स्पोटम है। आप बताएं कि पेशेंट को हुआ क्या, वो हमें चेस्ट एक्सरे नाम भी बताएं, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। इसका हॉलमार्क ही यही है कि ग्रीनिश स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है। हाई ग्रेड फीवर ऑलरेडी जो है, टिपिकल नमूनिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, प्रोडक्टिव कफ होती है। हमारे पास जो है, हम इजीली जो है इस क्वेश्चन को पिक कर लेंगे।